शाहनवाज अपनी मम्मी से बात करने जाता है और उन्हें जाकर कहता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। शाहनवाज की मम्मी कहती हैं, पहले तुम मेरी बात सुनो और मुझे ये बताओ कि तुम अमल से क्यों नहीं मिलते और उससे बात क्यों नहीं करते। शाहनवाज कहता है, आप जानती हैं कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, आप ही ज़बरदस्ती मुझे कह रही थी कि उससे शादी कर लूँ। आपकी ज़बरदस्ती की वजह से मैंने उससे मंगनी कर ली थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं किसी और लड़की को पसंद कर चुका हूँ। शाहनवाज की अम्मी कहती हैं, तुम मुझे ये बताओ कि हमारे दुश्मनों के साथ तुम्हारा क्या काम है? तुम उनके घर क्यों आते जाते हो? कहीं उसी उन्हीं की लड़की को तुमने पसंद तो नहीं कर लिया? और मुझे ये बताओ कि जैन के केस के हवाले से वहाँ मुखबरी क्या तुमने ही की थी? शाहनवाज कहता है, आपने ऐसी बात कैसे सोच ली और मैं मुखबरी क्यों करूँगा? लेकिन जहाँ तक बात है मेहरू की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं मेहरू से शादी करना चाहता हूँ। उसकी अम्मी की तो जैसे पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है कि हमारे दुश्मनों के साथ तुम क्यों ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हो और क्यों तुम मेहरू से शादी करोगे? मैं कभी भी उस लड़की को इस घर में ब्याह कर नहीं लाऊंगी, और ये बात जहन से निकाल दो कि तुम हमारे दुश्मनों के साथ कोई ताल्लुक़ जोड़ोगे। मैं कभी भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। शाहनवाज कहता है, वहाँ आपको ये बात समझना होगी कि मैं मेहरू को पसंद करता हूँ और आपकी मेहरू से मेरी शादी करवाना ही होगी क्योंकि मैं मेहरू के बगैर नहीं रह सकता। जब उसकी माँ ये देखती है कि ये तो बहुत ज़िद कर रहा है, तो वो उस वक्त तो खामोश हो जाती हैं, लेकिन बाद में मेहरू के घर जाकर उनको खूब जलील करती हैं और कहती हैं कि मेरे एक बेटे को आपने जेल भिजवा दिया और दूसरे बेटे को आप अपनी मुट्ठी में कर रही हैं। किस तरह अपनी बेटी को गुर्बत से अमारत की तरफ आने के लिए सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह की बातें करके जब वो वहाँ से चली जाती हैं, तो मेहरू की माँ मेहरू को कहती है कि तुमने मुझे इस दिन के लिए जलील करवाने के लिए जॉब शुरू की थी। पहले ही तुम्हारी मंगनी का सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। तुमने मंगनी भी रापे से तोड़ दी और अब तुम ये गुल खिला रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेहरू कहती है, अम्मी मुझ पर भरोसा करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने शाहनवाज को नहीं कहा कि वो मुझसे शादी करे और ना ही मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि शाहनवाज खुद मुझसे शादी करना चाहता है और उसने खुद ही अपनी अम्मी को भेजा है। जहाँ तक राफे से मंगनी तोड़ने की बात है, तो वो राफे के शकूक व शुभात की वजह से मैंने तोड़ी। जिस रिश्ते में पहले ही शकूक व शुभात हैं, वो रिश्ता आगे जाकर क्या चलेगा, इसलिए मैंने खुद ही मंगनी तोड़ दी। उसकी अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद उन्होंने मेहरू को आज़ादी देकर और जॉब की इजाज़त देकर गलती कर दी।